हाईवे और एक्सप्रेसवे, ये दोनों शब्द हमने बहुत बार सुने हैं। देश में 2500 किलोमीटर से ज़्यादा के एक्सप्रेसवे ऑलरेडी फंक्शनल है, जबकि कई हज़ार किलोमीटर एक्सप्रेसवे का काम अभी जारी है, जबकि 1.3 लाख किलोमीटर का हमारा नेशनल हाईवेज का जाल है जो हर दिन कई सौ किलोमीटर से बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों तरीके के रोड्स में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, आज इस वीडियो में हम यही चीज़ें समझेंगे। दोस्तों, हाईवे सिर्फ एक नॉर्मल रोड होता है जो इंटरनल सिटी रोड से ज्यादा स्पीड पर लोगों को किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा शहरों के बीच में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जबकि एक्सप्रेसवे स्पेसिफिकली किन्हीं दो शहरों के बीच में बनाया जाता है। हाईवे में लोअर नंबर ऑफ लेन्स की कोई लिमिट नहीं होती। हमारे देश में कई सारे ऐसे हाईवेज है जो सिर्फ दो लेन्स के साथ में दौड़ते हैं, जबकि एक्सप्रेसवे इंडिया में मिनिमम 6 लेन्स के साथ में बनाया जाता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ लेन्स की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे मेजर फैक्टर की जो हाईवे और एक्सप्रेसवे को डिफरेंशिएट करता है, वो है एक्सेस कंट्रोल। दोस्तों, हाईवे मोस्टली ग्राउंड लेवल पर ही होता है और जो भी रोड इसके आसपास से गुजरते हैं वो कहीं पर भी हाईवे से जुड़ सकते हैं। इसके लिए हाईवे में एंटर करने के लिए कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं होती है और कई सारे अलग अलग जगहों से हाईवेज को कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एक्सप्रेसवे ऐसे नहीं होते। एक्सप्रेसवे में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक जगहों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर यह भी बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोल किया जा रहा है कि किस तरीके की गाड़ियाँ एक्सप्रेसवे पर एंटर करेगी। देश में किसी भी एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर्स या बाइक्स अलाउड नहीं होती और कई सौ किलोमीटर के स्ट्रेचेस में एक या दो ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स एक्सप्रेसवे में बनाए जाते हैं। इसके कारण कौन सी गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर जा रही है ना सिर्फ वो कंट्रोल होता है, लेकिन कई सारे इंटरसेक्शन के कारण जो ट्रैफिक और एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ सकती है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दूसरी बात, अगर हम बात करें दोस्तों लेवल्स की, तो एक्सप्रेसवे को बहुत ही ज़्यादा टाइम ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाया जाता है हमारे पिछले रीजन की वजह से, जो था इंटरसेक्शंस को अवॉइड करना। इसी कारण एक्सप्रेसवे के कई लंबे लंबे स्ट्रेचेस होते हैं जो कई किलोमीटर तक फ्लाईओवर की तरह दौड़ते हैं, वो भी शहरों के बाहर, जबकि हाईवेज मेजरली आपको ग्राउंड लेवल पर ही मिलेंगे। और अगली बात जो हाईवेज और एक्सप्रेसवे को डिस्टिंग्विश करती है वो है टेक्नोलॉजी का यूज़। दोस्तों, हाईवे सिर्फ एक रोड होता है, जिस तरह से नॉर्मल हमारे यहाँ पे भी रोड बनते हैं, सिर्फ थोड़ी बड़े और थोड़ी हाई क्वालिटी का वो बनाया जाता है, जबकि एक्सप्रेसवेज में बहुत बार स्पीड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, हाईटेक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम, इन जैसे कई सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हाईवेज में इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। और जो मेजर लास्ट डिफरेंस होता है किसी एक्सप्रेसवे और हाईवे के बीच में, वो है इनकी मैनेजमेंट अथॉरिटी। दोस्तों, हाईवे को सीधे सीधे NHAI के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वही इन पर ध्यान देती है, वही इनका रखरखाव करती है, लेकिन एक्सप्रेसवे जो होता है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए एक सेपरेट कमिटी बनाई जाती है जो इस पर अलग से ध्यान देगी। ये लोकल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर भी हो सकती है या फिर कम्प्लीटली एक प्राइवेट एंटिटी, जिस तरह से यमुना एक्सप्रेसवे के लिए एक सेपरेट बॉडी है, द्वारका के लिए भी एक सेपरेट बॉडी है। इस तरीके की बॉडीज बनाकर इस रोड के सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, इन जैसे सारी चीज़ों का ध्यान इस तरह की सेपरेट एंटिटी रखती है, ताकि हाईएस्ट क्वालिटी मेंटेन की जा सके एक्सप्रेसवे में। जबकि हाईवेज में आपने देखा होगा कि कुछ हाईवे नाम मात्र होते हैं लेकिन वो सिर्फ सिटी रोड्स की तरह नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये रहे कुछ मेजर डिफरेंसेस हाईवेज और एक्सप्रेसवे के बीच में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।